रियलमी यू आई अपडेट के बाद रियलमी 3 प्रो में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, जिसका मैंने एक वीडियो पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को बना करके बताया था, और मैं तो बस कुछ प्रॉब्लम को ही जान पाया था। बट आप लोगों ने जो कमेंट किया, क्या बताऊँ मैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों ने बताया कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैंने सभी प्रॉब्लम को चेक किया और मेरे फ़ोन में जो फिर से नए प्रॉब्लम मैंने ढूंढा आप लोगों के कमेंट के थ्रू, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ढूंढना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं फ़ोन में, तो फिर कमेंट को पढ़ा और जा करके सबसे पहला प्रॉब्लम जो यहाँ पर मुझे आप लोगों के कमेंट के थ्रू पता चला वो है इस फ़ोन की वाईफाई स्टेबिलिटी में। जी हाँ, वाईफाई कनेक्शन पे ही मेरा नेटवर्क चलता है, इंटरनेट चलता है। मीन्स मेरे एरिया में जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत ही पुअर है, कोई भी नेटवर्क अच्छे काम नहीं करता है। तो मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है तो उसी से इंटरनेट पूरा घर का चलता है। और जब मैंने आपके लोगों का कमेंट देखा तो पता चला भाई साहब वाईफाई में भी कुछ इशू है, और मुझे ये चीज़ पता नहीं चल पा रहा था। मैं सोचता था कि जब भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था तो मुझे लगता था कि मेरी इंटरनेट स्लो हो गई, इसीलिए बीच बीच में मेरा वीडियो रुक जाता था। फिर जाकर के मैंने जब ये चीज़ नोटिस किया कि भाई साहब हर वीडियो जो है यूट्यूब पे चलते चलते ऑटोमेटिक ये रुक जाता है, तब मैंने चेक किया तो भाई साहब देखता क्या हूँ कि वाईफाई कनेक्शन ऑटोमेटिक ही छूट जाता है और फिर से उसे कनेक्ट होने में 5 सेकंड 10 सेकंड का समय लग जाता है, इसके कारण यूट्यूब वीडियो बफरिंग करने लगता है या फिर रुक जाता है। और यही चीज़ पबजी खेलने में भी होता है, पबजी खेलते खेलते इंटरनेट कनेक्शन हो रुक जाता है तो गेम फ्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने देखा, और जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही गंदा और बड़ा वाला प्रॉब्लम है इस अपडेट के बाद। दूसरा प्रॉब्लम जो कि मैंने कमेंट थ्रू ही पता किया वो है ऑडियो। जी हाँ, बिल्कुल भी मैं ऑडियो का उपयोग नहीं करता हूँ। स्पीकर जो मैंने स्पीकर है इसका बहुत कम ही यूज होता है, क्योंकि गाना वगैरह तो सुनने का फुर्सत उतना मिलता नहीं। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट को पढ़ा और मैंने इसमें म्यूजिक प्ले किया तो भाई साहब क्या ही बोलूं, म्यूजिक सुनने में, जी हाँ, यूट्यूब का म्यूजिक सुनो, अलार्म वगैरह, हर जगह में ऑडियो कम हो गई है। मीन्स जो पहले रियलमी 3 प्रो का ऑडियो था कलरवाइज 6 में, उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया। बहुत ही लाउड स्पीकर था इसका, जी हाँ, सिंगल स्पीकर ही है लेकिन लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा था। बट रियलमी UI के बाद का जो ऑडियो क्वालिटी है और लाउडनेस है वो थोड़ा कम जरूर हो गया। क्वालिटी तो बहुत ही कम हो गया बट लाउडनेस में थोड़ा कमी आया है। जो प्रॉब्लम मुझे आप लोगों के द्वारा सुनने को मिला वो फिंगरप्रिंट को लेकर के मिला कि भाई सर फोन का फिंगरप्रिंट है वो स्लो हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोन का फिंगरप्रिंट अभी भी फास्ट है, और ये मैंने अपने एक मित्र के भी फोन में कॉल करके टेस्ट करवाया कि भाई साहब देखो, जिसमें मैंने मैनुअली इंस्टॉल किया था, उनको फोन करके बोला कि भाई साहब जरा चेक करो कि तुम्हारा फिंगरप्रिंट कैसा है, तो उनका भी फिंगरप्रिंट फास्ट है। मुझे याद है रियलमी 2 जब मेरा प्राइमरी डिवाइस था उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये इशू आए थे, और मुझे लगता था ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं था बल्कि एक बग आ गया था। जैसे कि अगर आप फिंगरप्रिंट सेक्शन में जाओगे, जी हाँ, फिंगरप्रिंट में, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो आपका फिंगरप्रिंट एड था वो गायब हो जाता है, बट फिर भी आपका फिंगरप्रिंट काम करता है फोन का। इसे करना क्या है आपका, अगर हो भी फिंगरप्रिंट तो इसे आ करके डिलीट कर दो। जी हाँ, जो भी फिंगरप्रिंट है उसे डिलीट कर दो और फिर से अपना फिंगरप्रिंट ऐड करो, और जा करके आपका जो है फिंगरप्रिंट फिर से बहुत ही फास्ट हो जाएगा। मतलब जो आपके फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है वो एकदम से गायब हो जाएगी और आपको पुराना वाला फोन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिंगरप्रिंट परफॉर्मेंस आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट में कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही जो फेस अनलॉक है उसमें तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों ही मस्त है। तो अगर आपके फोन में है तो जरूर से ये वाला ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, फेस और फिंगर दोनों में होगा तो दोनों का डिलीट करके फिर से फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट को एड कर दीजिएगा, आपका फिंगरप्रिंट फास्ट हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम जो कि आप लोगों के कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चला है वह है कैमरा को लेकर के। कैमरा में कुछ लोगों का जो है वाटर मार्क इनेबल नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूं कि भाई साहब ये तो हो सकता है कुछ लोगों का प्रॉब्लम, बट मेरे फ़ोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मेरे वाटर मार्क ऑन नहीं हो, बल्कि अब तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों को इनेबल कर सकते हैं, जो कि एक नया फीचर कैमरा में ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपके पास है फ़ोन तो देखिएगा ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वाटर मार्क आपका इनेबल नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप क्या ही बोलूँ, रियलमी वालों से बात करो, शायद वो फिक्स कर दे। बाकी के जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे बैटरी को लेकर के है, तो उसका एक मैंने वीडियो भी बना करके दे दिया आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखा तो जा सकते। बैटरी ड्रेन इशू है इस फोन में और उसे कैसे ठीक करना है, तो थोड़ा इम्प्रूव कर देना है, तो वो वीडियो मैंने आपको बनाया। साथ ही जो पबजी लैग है उसका भी उसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पबजी लैग कैसे फिक्स करना है, तो जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और बाकी जितने भी प्रॉब्लम, दो सॉल्यूशन मैं फाइनली मानने लगा हूँ, क्योंकि एक सॉल्यूशन जो लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट करके
बताया है वो ये है कि आपको एक बार फ़ोन को रीसेट कर लेना चाहिए। जी हाँ, फुल फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, अपने डेटा को निकाल लो कहीं पे, पीसी लैपटॉप या दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लो और एक बार फ़ोन को फुल फॉर्मेट कर दो, शायद आपका बग फिक्स हो जाए। कुछ कुछ बग जो मेजर बग है वो तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने डिवाइस में ये चीज़ करके दिखा है, बट वो फिक्स नहीं हो पाया। और दूसरा जो है वो है कि भाई साहब आपको फीडबैक, जी हाँ फीडबैक, रियलमी कम्युनिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अगर आपने नहीं किया, कम्युनिटी में जाओ, रोज फीडबैक डालो, 10 बार डालो कि ये प्रॉब्लम आ रही है फोन में रियलमी UI अपडेट के बाद। तो ये सभी बातें उनके टीम के पास पहुंचेगी, सॉफ्टवेयर टीम के पास, और वो जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पे काम करके आपको हो सकता है फरवरी लास्ट तक ये अपडेट मिल जाए, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में अपडेट मिले, बग सारे फिक्स होने वाले। तो जरूर से फीडबैक भेजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रियलमी से जुड़े जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।